कर्नाटक की उडुपी में उठा हिजाब विवाद राज्य के हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ये मामला हाईकोर्ट में सुना जा रहा है। आज फिर एक बार दोपहर करीब 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे विरोध की आंच अब तक कई राज्यों में पहुंच चुकी है। कई राज्यों में मुस्लिम महिलाएं खुलकर कर्नाटक विवाद को अपना समर्थन दे रही हैं। कर्नाटक में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे एक बार फिर इस केस पर कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनेगा। सोमवार को हुई सुनवाई में इस मामले पर छात्राओं की ओर से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है और ये कानून वैध नहीं है। कामत ने सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने का मुद्दा अनुच्छेद 25 में कवर नहीं होता है। इसे यूनिफॉर्म में शामिल मानने या ना मानने का फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ देना चाहिए। देवदत्त कामत ने यह भी कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह गैर कानूनी है। हिजाब का मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट में जारी सुनवाई का हवाला देते हुए इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा था कि वो इस पर नजर बनाए हुए है। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक में सोमवार से स्कूल फिर से खुल गए और पहले ही दिन हिजाब को लेकर विवाद हो गया। मांड्या के एक स्कूल में हिजाब पहने छात्राओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसे लेकर स्कूल की टीचर और छात्राओं के अभिभावकों के बीच बहस हुई, लेकिन छात्राओं को हिजाब उतारने के बाद ही स्कूल के अंदर जाने की इजाजत मिली। उधर उडुपी में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। उडुपी के कई स्कूलों में भी छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने हिजाब उतार दिया। उडुपी समेत कई जिलों में हाई स्कूल के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। हिजाब विवाद को लेकर देश के 4 महानगरों समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो चुका है। मुर्शिदाबाद में तो इसे लेकर हिंसा तक हो गई और लोगों ने स्कूल पर ही पत्थरबाजी कर दी थी। हिजाब विवाद संयोग है या प्रयोग, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले में आज सभी की नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद में अब तक सिर्फ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को ही इस पर आपत्ति हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान को इस विवाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन दुनिया भर में इस्लाम के हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है और अब इसी OIC को लगता है कि भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, खासकर महिलाओं के हितों की। देश में उठे हिजाब विवाद पर जो पाकिस्तान अब अकेले चिल्ला रहा था, उसे एक नया साथी मिल गया है और ये साथ कोई नहीं बल्कि दुनिया भर में इस्लामिक देशों के हितों की रक्षा करने वाला संगठन OIC है। जी हाँ, हिजाब मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने हरिद्वार धर्म संसद में नरसंहार की बातें, सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर लगी बोली और कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। OIC के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद समेत कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इस मामले में दखल देने की अपील की। OIC ने भारत से मांग की है कि वो मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों के लिए भड़काने वालों और अपराधियों पर कार्रवाई करे। OIC के महासचिव का ये ट्वीट ठीक उस समय आया जब पाकिस्तान में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को पाकिस्तान के कराची में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।
OIC में शामिल कुल 57 देशों में 40 मुस्लिम बहुल देश हैं और अब तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही इस पूरे विवाद में शोर मचाया है और अकेले पाकिस्तान के शोर मचाने से ही OIC की नींद टूट गई। अब OIC की प्रतिक्रिया पर भारत क्या जवाब देगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस पर मिल रहे समर्थन के बाद पाकिस्तान खुश तो बहुत हुआ होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान को पहले ही कह चुका है कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।